आवश्यकता पड़ेगी। इतनी गिट्टी मुझे चाहिए 1 क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज छोटी थी, इसको मैंने कवर कर दिया। अब अगला जो था अपन जो डिस्कस करने वाले थे वो थे किस पर, अपन स्लीपर, स्लीपर के बाद फिटिंग फास्टनिंग और रेल पर। तो सबसे पहले देखो ये जो स्लीपर दिख रहा है, दिख रहा है स्लीपर, ये सबको कंक्रीट स्लीपर दिख रहा है ना। तो सबसे पहले जो स्लीपर होते हैं, स्लीपर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले तो भैया आपका कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। दूसरा कौन सा स्लीपर हो जाएगा आपका? हुडन स्लीपर, ठीक है। तीसरा स्लीपर क्या हो जाएगा आपका? CST9 स्लीपर, CST9 स्लीपर। और जो चौथा स्लीपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मेटल स्लीपर। मेटल स्लीपर मतलब जो ब्रिज के स्लीपर है जिसमें अपन एच टाइप स्लीपर यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं तो ठीक। तो मोस्टली हमने क्या कर दिया, स्लीपरों की कैटेगरी कितनी कर दी? 4। स्लीपरों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में, ठीक है। स्लीपर होंगे वो 4 भागों में, एकदम स्लीपर कितने भागों में होंगे? 4 भागों में इसको हमने क्या कर दिया है? बांट दिया। तो अब पहला हो गया कंक्रीट स्लीपर, दूसरा हो जाएगा हुडन स्लीपर, तीसरा हो जाएगा आपका CST9 और क्या हो जाएगा? मेटल स्लीपर। तो कंक्रीट स्लीपर हम यूज कर रहे हैं, सबने देखा है कंक्रीट स्लीपर। हुडन स्लीपर पहले यूज करते थे, हुडन स्लीपर का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? CST9, तो CST9 भी अब यूज नहीं हो रहा है। मेटल स्लीपर हम यूज कर रहे हैं एस टाइप के बीम में, जहां पे भी गडर ब्रिज यूज होगा वहां पे हमको मेटल स्लीपर यूज करना पड़ेगा। तो हम इसके स्टार से उतनी बात नहीं करेंगे, हम मेन बात कर रहे हैं किसकी? कंक्रीट स्लीपर की। तो जब कंक्रीट स्लीपर होता था, अब कंक्रीट स्लीपर सबसे पहले जो आया वो कौन सा स्लीपर आया था भाई? MBC स्लीपर। सबसे पहले हमारे पास जो स्लीपर आता था कंक्रीट का, उसको हम बोलते थे MBC स्लीपर। MBC स्लीपर का फुल फॉर्म होता था मोनोब्लॉक कंक्रीट। MBC का फुल फॉर्म क्या होता था? मोनोब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। यही यूज होता था ना। अब क्या किया, इसको और एडवांस कर दिया गया। मोनोब्लॉक कंक्रीट को क्या कर दिया गया? एडवांस कर दिया गया। तो एडवांस करके क्या कर दिया गया कि जब इसको हमने एडवांस कर दिया, तो एडवांस में हमने इसको क्या कर दिया, जो पहले नॉर्मल कंक्रीट था उसको क्या कर दिया? प्री स्ट्रेट कंक्रीट बना दिया। तो उसको क्या बोल दिया? उसको क्या कर दिया हमने? प्री स्ट्रेट कंक्रीट बना दिया। तो उसको क्या बोल दिया गया? PSC स्लीपर। तो MBC स्लीपर का ही एक रूम क्या हो गया आपका? PSC स्लीपर। बस दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि जब भी MBC स्लीपर का कंस्ट्रक्शन होता है तो सिंपल क्या किया जाता है, जो इसके अंदर की सरिया होती है, एक स्लीपर में लगभग 18 सरिया डलती है, अंदर रॉड रहती है ना स्टील, तो 18 स्टील क्या कर दिए हमने? सिंपल डाले, कॉन्क्रीटिंग कर दिया, बन गया हमारा MBC। अब हमने क्या किया, प्री स्ट्रेट बनाने के लिए इस 18 जो स्टील है उसको लगाया, दोनों तरफ एक फ्रेम में लगाया और दोनों को क्या कर दिया? खींच दिया। दोनों को क्या कर दिया हमने? खींच दिया। इधर से इधर पुल किया, इधर से इधर पुल कर दिया, और खींचने के बाद फिर इसकी क्या कर दी हमने? कंक्रीटिंग कर दिया। और कंक्रीटिंग होने के बाद इधर से या तो काट दिया या तो छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पूरा एक बिल्कुल से एक जो बॉन्डिंग बनेगी, बहुत मजबूत बॉन्डिंग बन जाएगी। इससे उसकी क्या होगी, उसकी जो क्षमता है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए उसी को बोला जाता है, हमने पहले से उसको स्ट्रेस देके रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री स्ट्रेट कंक्रीट स्लीपर। बस समझ में आ गया। और MBC मतलब क्या हो जाएगा? मोनोब्लॉक कंक्रीट, जो हम पहले यूज करते थे। नहीं, ये तो नॉर्मल है। जो नया स्लीपर जो आया है ना आपके पास, उसको बोलते हैं वाइडर बेस स्लीपर। तो जो वाइडर बेस स्लीपर है वो भी PSC स्लीपर ही है। वो भी क्या है? PSC स्लीपर ही है, बस उसका साइज थोड़ा सा क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है, साइज थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो अभी हम बात करते हैं नॉर्मल PSC स्लीपर की। तो ये जो हमारा नॉर्मल PSC स्लीपर है, आप देखो कि ये जो नॉर्मल PSC स्लीपर होता है, आप देखो कोई भी स्लीपर तो ये अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है ना, कुछ सीधा तो रहता नहीं है, अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है। अभी अंदर की तरफ क्यों झुका हुआ रहता है? इसका एक ही रीजन है इसका अंदर की ओर झुका होने का, क्योंकि देखो हमारी जो रेले होती है, जो हमारी रेल होती है, रेल जो हम डालते हैं, वो रेल हमारी वो सीधी नहीं है। जो रेल है हमारी वो कैसी सीधी नहीं है, वो कैसी है? अंदर की तरफ झुकी हुई है। कैसी झुकी हुई है? अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ कितने ऐसे झुकी हुई है? 1 in 20 के रेशो से। कितने रेशो से झुकी हुई है? 1 in 20। अब जब रेल हमारी अंदर की तरफ 1 in 20 के रेशो से झुकी हुई है, तो हम रेल में तो ऐसी कोई असेंबली नहीं है कि वो झुक जाए, वो तो बिल्कुल फ्लैट है ना। तो जब उसको झुकाना है, तो उसको झुकाने के लिए हम क्या कर दिए? हम स्लीपर को ही 1 in 20 के रेशो में झुका दिए।
स्लीपर को हमने क्या कर दिया है 120 के रेशो में झुका दिया है। जब मेरा स्लीपर ही तिरछा रहेगा तो उसके ऊपर अगर रेल रखूंगा तो वो भी तिरछी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इस रेल को जो 120 के रेशो में झुकाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोनिंग। क्या बोलेंगे? कोनिंग। तो स्लीप रेलों में कोनिंग देने के लिए स्लीपर को क्या किया जाता है? तिरछा बनाया जाता है। इसलिए उसको स्लीपर को कैसा अंदर की तरफ हमने क्या कर दिया है? झुका दिया। इसी को क्या बोलेंगे हम? कोनिंग कहेंगे। तो इसलिए झुकाया जाता है। बाकी देखो नॉर्मल पीएससी स्लीपर झुकाया जाएगा, है ना। लेकिन दो जगह है, जैसे आपका एसीजे है, एसीजे के स्लीपर आपको प्लेन मिलेंगे, उसको झुकाया नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट एंड क्रॉसिंग के स्लीपर भी आपको बिल्कुल प्लेन मिलेंगे, उसको भी झुकाया नहीं जाएगा। ये बिल्कुल प्लेन रहेंगे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों? वो इसलिए उसको नहीं झुकाया जाता क्योंकि जहां पर भी देखो एसीजे में तो आपने प्लेट देखा होगा। आप जब प्लेट को अच्छे से देखोगे तो प्लेट वन साइड मोटी रहती है और वन साइड पतली रहती है, मतलब अंदर की तरफ उसका साइज पतला रहता है और बाहर की तरफ क्या होता है? मोटा होता है। तो ऑलरेडी कैसा देता है? 120 का स्लोप दे देता है। लेकिन पॉइंटेड क्रॉसिंग जो रहती है वो बिल्कुल प्लेन रहती है। पॉइंटेड क्रॉसिंग कैसी रहती है? प्लेन रहती है। तो प्लेन पॉइंट है मतलब स्लीपर है और ये आपके कोनिंग वाले स्लीपर हैं। तो एकदम से कोनिंग स्लीपर से प्लेन स्लीपर ना आए, इसलिए याद रखना कि हर एक पॉइंटेड क्रॉसिंग के आगे और पीछे, आगे उसको अप्रोच स्लीपर दिए जाते हैं और पीछे साइड में कितने दिए जाते हैं? एग्जिट स्लीपर दिए जाते हैं। अप्रोच स्लीपरों की संख्या 5 होती है, जैसे 1S, 2S, 3S, 4S, 5S है, उसी को 60S बोलते हैं। और एग्जिट स्लीपरों की संख्या कितनी होती है? 4, E1, E2, E3, E4। तो आपका मेन लाइन में भी 4 होती है और क्रॉसओवर में भी 4 होती है, ऐसे टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 8। मतलब 5 प्लस 8 बराबर टोटल कितने होते हैं? 13 स्लीपर। तो 13 मेरे अप्रोच और एग्जिट के स्लीपर हो जाते हैं। नॉर्मल 1/12 में कितने स्लीपर होते हैं? 83 स्लीपर होते हैं। 83 प्लस 13 कितना होता है? 96। तो टोटल मिला के हमारे जो स्लीपर होते हैं 1/12 में वो कितने होते हैं? 96। अगर 1.5 की बात करूं तो नॉर्मल उसमें 54 स्लीपर होते हैं और अप्रोच के कितने हो जाएंगे आपके? 13। तो 54 और 13 कितने होते हैं? 67। तो टोटल मेरे 1.5 में स्लीपरों की संख्या कितनी हो जाती है? 67। तो ये हमने स्लीपर के प्रकार पढ़ लिया। नॉर्मल जो स्लीपर रहेगा हमारा, स्लीपर का जो साइज होता है, जो नॉर्मल हमारा स्लीपर होता है, उस स्लीपर का जो साइज होता है उसकी कितनी होती है भैया? लंबाई 2750। स्लीपर की लंबाई कितनी होती है? 2750। इसकी हाइट कितनी होती है? 210। ठीक है, जब स्लीपर को आप नॉर्मल साइड से देखोगे तो स्लीपर ऐसा दिखेगा। इसकी हाइट कितनी होती है? 210 होती है। ठीक है, ये होती है कम से कम कितनी? 250 mm। इसकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? 250 mm। हाइट हो गई 210, लंबाई हो गई आपकी 2750 होती है। इसमें जो सरिया लगती है नीचे में ऐसी 3 3 3 3 2 6 रहेगी, फिर 2 2 की लेयर आएगी, फिर 2 2 की लेयर आएगी, ऐसे टोटल मिला के इसमें 18 सरिया क्या रहती है? डली हुई रहती है। ये नॉर्मल आपका स्लीपर हो गया। जो भी आपका स्लीपर है, जो भी आपका स्लीपर है, स्लीपर में आप जो स्लीपर रहेगा वो स्लीपर में देखो ऐसे दो इंसर्ट रहते हैं इंसर्ट दो, ठीक है, दोनों तरफ कैसे रहते हैं? इंसर्ट रहते हैं। तो चाहे मेरा 60 kg का स्लीपर हो, चाहे मेरा 52 kg का स्लीपर, उनके वेट में कोई अंतर, ज्यादा अंतर नहीं होता। इनका वेट में जो होता है वो होता है 287 kg। कितना होता है? 287 kg। नॉर्मल हमारा जो स्लीपर होगा उसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 287 kg। 52 का 60 में कोई समझ अंतर नहीं होता। हाँ, अगर वातावरण में रखे, नमी के कारण, डस्ट के कारण उसका वेट बढ़ जाता है, तो हम कैलकुलेशन या बिलिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम लगभग आपका 292 kg का हम वेट करते हैं। ये न्यू स्लीपर जब पूरा पूर्ण रूप से डाई मतलब पूर्ण रूप से सूखा हुआ स्लीपर होगा उसका वजन कितना होता है? 290। ये ऑर्डिनरी हो गया। लेकिन अभी जो 287 और जो अभी नया स्लीपर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? वाइडर बेस। कौन सा आ रहा है? वाइडर बेस। तो जो वाइडर बेस है, तो वाइडर बेस स्लीपर जो रहेगा उसका वजन होता है 332। कितना होता है? 332 kg। वो थोड़ा हेवी रहता है, वो वाइडर होता है, उसकी चौड़ाई कैसी होती है? ज्यादा होती है। उसका वजन कितना होता है? 232। क्या चौड़ाई रहेगी भैया? वाइडर बेस की लंबाई तो वही रहेगी 2750, लेकिन जो नीचे की चौड़ाई है
ये कितनी थी, 250 थी ना, तो वाइडर बेस की ये हो जाती है 280, इसको और ज्यादा वाइड कर दिया गया, नीचे की चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 280, और ये पीछे का जो स्लोप जो अपना ऐसा लंबा जाता है उसको कैसा कर दिया गया है, ऐसा नीचे की तरफ तिरछा कर दिया, मतलब अंदर की तरफ झुका दिया गया है। बाकी साइज तो वही है, सब कुछ कोई अंतर नहीं है, बस आगे का जो स्लोप है उसको क्या कर दिया गया है, झुका दिया, बस यही अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब मैं नॉर्मल स्लीपर की बात करूंगा, 52 kg और 60 kg, 52 kg और 60 kg में कोई अंतर नहीं रहता, अंतर सिर्फ उसका इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस का है। अंतर क्या है सिर्फ उसके, इंसर्ट टू इंसर्ट मतलब ये जो डिस्टेंस है इंसर्ट टू इंसर्ट, सिर्फ इसी का अंतर है भाई, और कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 60 kg, तो 60 kg में इंसर्ट टू इंसर्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 162 mm, कितना होता है 162 mm। अगर यही मैं 52 kg की बात करूं तो इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस होता है सिर्फ 148 mm, कितना होता है 148 mm। 52 kg में इंसर्ट टू इंसर्ट डिस्टेंस 148 mm होता है, और 60 kg में कितना होता है 162 mm 60 kg में। ये सिर्फ यही अंतर है, बाकी 60 kg और 52 kg के स्लीपर में कोई अंतर नहीं है। बाकी रबड़ पेट तो अलग अलग आते हैं, है ना, जब फिटिंग बात करेंगे तब इस पे चर्चा करें। अब छोटा सा बेसिक अपन अंतर देख लेते हैं अपना वाइडर बेस स्लीपर पे, किस पे बात कर लेते हैं अपन, वाइडर बेस स्लीपर पे। इस टाइप से रहता है वाइडर बेस स्लीपर। अब क्या था कि इसको जो ऐसा सीधा जाना था उसकी नोक को काट के कैसा कर दिया गया, तिरछा कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, इंसर्ट है, ये क्या है आपके, इंसर्ट है। अब ये वाइडर बेस स्लीपर की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज इसको हमने बेस को क्या कर दिया, वाइडर बना दिया, 280 कर दिया, ताकि इसके स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, आपका जो जो लोड वियरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। ज़्यादा एरिया में फैलेगा तो गिट्टी बैलास्ट पे उतना ज़्यादा वो लोड नहीं देगा, और फैला के लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूट लोड कैसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा फायदा इससे ये हो जाएगा कि अगर मेरा यहाँ पे ऐसी नोक बनी थी पहले, अगर मेरी पहले ऐसी नोक बनी थी नोक ऐसी, तो इससे क्या होता था कि पहली चीज जब यहाँ पानी गिरता था तो पूरा पानी, यहाँ का पानी तो इधर नीचे निकल जाता था, लेकिन ये आउटर का पानी कहाँ आता था, सीधे इंसर्ट के पास आता था, तो इंसर्ट में क्या होता था, जंग की संख्या ज्यादा बढ़ जाती, जंग ज्यादा लगता था। अब ये क्या हो गया, ये पानी ऐसा तिरछा है तो पूरा पानी कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, तो पहली संभावना ये हो गई कि लाइनर में, लाइन में हमारे जंग लगने की संभावना क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई है कि अभी पहले ऐसा तिरछा था तो यहाँ पर हम जब भी बैलास्ट प्रोफाइल बनाते थे, जब भी क्या बनाते थे यहाँ से बैलास्ट प्रोफाइल, तो कुछ समय तक रहती थी और एक दो गाड़ी जाती थी, उसके बाद बैलास्ट हमारी पूरी नीचे गिर जाती थी, कहाँ गिरती थी, बाहर की तरफ गिर जाती थी। लेकिन अब ये वाइडर बेस है और अब यहाँ पे हम बनाएंगे प्रोफाइल, यहाँ पे बनाएंगे तो जो भी बैलास्ट गिरेगी तो बाहर ज्यादा ना गिर के कहाँ गिरेगी, अंदर की तरफ, ताकि लोड किसके ऊपर रहेगा, हमारा स्लीपर के ऊपर रहेगा, तो उसकी शोल्डर बैलास्ट जो रहेगी प्रॉपर, मतलब उसको उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो क्षमता है, वो ज़्यादा अच्छे से क्या रहेगी, आपकी बड़ी हुई रहेगी। इसी कारण से इसमें छोटा मोटा माइनर परिवर्तन करके इसको वाइडर बेस यूज किया गया है। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल स्लीपर। अब स्लीपर के बाद हम